सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 3 के ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूज़ के बारे में, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और मूवी बन रही है। तो क्या है वो डिटेल्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो गाइस, फाइनली हमारा वेट खत्म हुआ, क्योंकि MCU इतने टाइम से डेडपूल की मूवी को पोस्ट प्रोडक्शन में रख के रखा था, यानी कि वो MCU मूवी को बनाना ही नहीं चाहता था अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि MCU एक PG-13 यूनिवर्स है और डेडपूल पूरा आर रेटेड यूनिवर्स है। अगर इनका मतलब नहीं पता तो जल्दी इस पर भी एक वीडियो मेरा आ रहा है, टेंशन मत लो। सो गाइस, आर रेटेड होने के कारण डेडपूल को कभी मूवी आई नहीं, जैसे कि हमने डेडपूल की पहली मूवी देखी थी साल 2016 में, उसके बाद हमने दूसरी मूवी 2018 में। अगर डिज्नी फॉक्स को नहीं खरीदता तो अभी तक हमें डेडपूल की 4 मूवीज दिख गई होती, बट नहीं दिखी है बिकॉज ऑफ डिज्नी, समझा करो। और अब रैन रेल्स को केविन फाइगी ने बहुत बड़ी डील्स दी है, कि जितनी बड़ी डील आज तक MCU को किसी एक्टर ने नहीं दी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तक इतनी बड़ी डील नहीं ऑफर हुई। सो वो डील थी कि काफ़ी सारी मूवीज में उनके कैम्यूज, और डेडपूल 3 को आज ऑफिशियली कन्फर्मेशन मिल गई है। डेडलाइन का आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, और इस मूवी के राइटर्स हैं मॉलिक्स सिस्टर्स। अब भाई, इन सिस्टर्स ने एक एनिमेटेड शोज लिखे हैं काफ़ी सारे, और ये टैलेंटेड मतलब राइटर्स है। और डायरेक्टर की बात करें तो डेविड लीची वापस नहीं आए या आ भी सकते हैं, MCU के दरवाजे खुले हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से डेविड लीची को आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है। और उसके बाद सो गाइस, एक और स्पेशल रूमर निकल कर आ रही है काफ़ी सारे फैंस की, कि माइकल बे, जिन्होंने रिसेंटली डेडपूल का रोल प्ले कर रहे एक्टर रैन रेनल्स के साथ सिक्स अंडरग्राउंड जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई थी, उनका भी नाम निकल कर आ रहा है कि वो डेडपूल को पक्का, डेडपूल 3 के सीक्वल को पक्का डायरेक्ट करने वाले हैं। और गाइस, अगर ये सीक्वल पक्का बन रहा है और माइकल बे के अंडर, तो आई एम टोटली एक्साइटेड, क्योंकि माइकल बे डेविड लीच से भी बेस्ट डायरेक्टर है फॉर एक्शंस। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट हाँ, माइकल बे इज़ द टॉप डायरेक्टर। आप उनकी मूवी से पता लगा सकते हैं, बैड बॉय, सिक्स अंडरग्राउंड, द शॉप, बहुत सारी मूवीज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी सीरीज उन्होंने बनाई है, बम्बलबी के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डिटेल है। और डेडपूल की अगर मूवी की बात करें तो ये मूवी फेज 4 के 2023 में स्टार्टिंग में आ सकती है, क्योंकि 2022 तक तो सारी डेडपूल की मतलब एक मूवी आने की भी चांस नहीं, क्योंकि पूरा MCU अपना स्लेट निकाल चुका है। तो डेडपूल की मूवी आप 2023 से पहले देखने नहीं वाले, शायद फेज 4 और फेज 5 में हमें उस टाइम फैंटास्टिक 4 भी इंट्रोड्यूस एंटमैन 3 से करा चुके होंगे शायद, तो पता नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अमेजिंग कॉन्टेंट को वैसे ही सपोर्ट करें। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।